आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी को मुलाकात करनी थी उनसे। आपको जान के हैरानी होगी कि कल आतिशी जी की मुलाकात कंफर्म नहीं की गई, कैंसिल कर दी गई। दिल्ली की शिक्षा मंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री से सारे नियमों का पालन करते हुए सामान्य मुलाकात जैसे ये कराते रहे हैं अब तक, उसके लिए अपना नाम देते हैं, मेल करती हैं, अप्लाई करती हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो करती हैं और अंतिम समय में उनकी मुलाकात कैंसिल कर दी जाती है। पार्टी के संगठन के महामंत्री, राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक जी को स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के साथ मिलने के लिए फिर हम लोगों ने कहा कि भाई अब ये जाएंगे मिलने के लिए। वहां तक जाते हैं और फिर उनको सुबह 9:30 बजे बताया जाता है कि आपकी मुलाकात नहीं कराई जाएगी। ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ। बड़े से बड़े तानाशाह भी ऐसा आचरण नहीं करते जो आचरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए उनकी सरकार की शिक्षा मंत्री सामान्य तरीके से जो पूरा प्रोसेस होता है उसको फॉलो करने के बाद भी उनकी मुलाकात कैंसिल की जा रही है। संदीप पाठक जी की मुलाकात कैंसिल की जा रही है। तो ये तानाशाही का आचरण क्यों है प्रधानमंत्री जी? कितनी नफरत आपने पाल रखी है अपने दिल और दिमाग में अरविंद केजरीवाल को लेके? आतंकवादियों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार, कुख्यात अपराधियों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार अरविंद केजरीवाल के साथ किया जा रहा है। कुख्यात से कुख्यात अपराधी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कई बार कह चुका हूं, बैरक में मुलाकात कराई जाती है वकील से और परिवार से, उनकी भी मुलाकात नहीं रोकी जाती। अरविंद केजरीवाल की आप मुलाकात रोक रहे हैं। अगर 23 दिन तक अरविंद केजरीवाल इंसुलिन मांगते रहे और आपने दिया नहीं, तो 23 दिन के बाद वही इंसुलिन क्यों दी जा रही उनको? इसका मतलब हम सही थे कि उनकी जिंदगी के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको मारने की एक गहरी साजिश रची जा रही है जो बार बार हम कह रहे हैं और हम लोगों की बातें कई बार हवा में उड़ाई जाती हैं। हमसे प्रमाण और सबूत मांगे जाते हैं। इनका आचरण, इनकी कार्यप्रणाली, इनकी तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है।